जय हिंद। नमस्कार सभी को। भाई मैं कुलदरा से आ रहा था रास्ते में, तो मैंने कुछ देखा, तो मैं इसको संघर्ष कहूँ या जीवन कहूँ मुझे भी नहीं पता, और मेरा मन कर गया कि एक बार मुझे ज़रूर देख के आना चाहिए इनकी लाइफ कैसे, क्या रहते हैं क्या नहीं रहते हैं। मैं तो खुद हैरान हो गया यार, इस मौसम में यार कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। तो मैं चाहूँगा कि आपको भी मैं दिखाऊँ ये गाँव कैसा है, राजस्थान के गाँव कैसे, तो ये लोग कैसे बिताते अपना जीवन। ये देखो सामने दिख रहा है, ये गांव इनका, दूर दूर तक कोई इनके लगता ही नहीं कुछ भी, खाने का ना पीने का, पानी तो मतलब है ही नहीं यहाँ पे, और फिर भी ये अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो यार मतलब चलो चलते हैं भाई, देखते हैं इनका जीवन ही कैसे क्या लाइफस्टाइल इनकी। चलो ये देखो भाई, पूरी मिट्टी मिट्टी, सूखी मिट्टी, इसको बालू मिट्टी बोलते हैं। जस्ट 6 या 7 ही घर होंगे, और इन्हीं का गांव इनको बोलते हैं, इन्हीं का एक गांव होता है। देखो ये सूखी लकड़ियां जमा कर रखी इन्होंने, पानी का तो पता नहीं मेरे को कि पानी कहां से लेके आते। चलो देखते हैं, इनका घर है जो कि पत्थरों से बना हुआ है। सुख शांति एक तो बात है यार, दुनिया से दूर बड़ी सुख शांति, बहुत तगड़ा अनुभव होता है यहाँ पे। ये हमारे सामने खड़ी है यहाँ के स्थानीय निवासी। देखो नमस्कार जी, ये इनका घर है। ये बहुत बड़ा सा घर है भाई, ये देखो। और ये देखो यहाँ पानी की कितनी किल्लत है, आप खुद देख सकते हैं। देखो बर्तन, ये बर्तन साफ करिए गुड़िया, पानी नहीं है, रेत से साफ कर रही है देखो। और हम बर्तन साफ करते हैं कम से कम 100 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं। ये देखो सिर्फ इस पानी में पूरे बर्तन साफ कर देगी, है ना बेटा। क्या नाम आपका? अफसाना। अरे छोटी सी बच्ची देखो, अरे अरे इस मिट्टी से ही बर्तन साफ करती है। पहले होता था ये हमारे दादी माँ पहले राख से ही बर्तन साफ करती, तो वही तो सिर्फ इनका भी है पानी की कमी से। ये इन्होंने मुर्गी रोक के रखी हुई है, पालते इनका पेट होते हैं मुर्गियाँ। क्या भाई पेड़ भी लगा रखे इन्होंने। बड़ा निशान घर बना रखा इन्होंने, कंप्लीट पत्थर से बना हुआ है। ये पत्थर से बना हुआ है, महलनुमा आकार का, गजब कला करी थी इस सुदूर क्षेत्र में। वाह यार वाह, बड़ी शांति अनुभूति होती है भाई, बहुत तगड़ी। इन्होंने मुर्गे पाल रखे हैं यहाँ पे, बकरिया विजिट करते हैं, मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी है ना बहुत तगड़ा है यार, बहुत शांति है। मन ऐसा कर रहा है यहीं पर रह जाओ एक कमरा लेके। चलो दिखाते हैं आपको यही गांव है। देखो 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 5, उसके पीछे एक और है, 5 ही घर हैं टोटली, और इसी को गांव बोलते हैं। खुले खुले बिल्कुल, जैसे कार्टून सीरीज में आते हैं ना बच्चों के, ऐसे ऐसे गाँव देखने को हम ऐसे सेम एज इट इज फीलिंग आ रही है, ऐसे ही गाँव भाई, बहुत खुले खुले। बैठते हैं बकरियां, बेर लगी ना भाई, देखो बेरी का पेड़ है। पानी तो होता नहीं है, बारिश भी नहीं आती इतनी, तो सूखा है, सूखे में यही चीजें होती है भाई। कुछ नहीं बस घर का था,
देखते हैं और क्या है आगे। बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत। हमें जितनी ऐशोआराम मिलती है उसका तो मुझे लगता है 1% भी इनको नसीब नहीं होता, और फिर भी खुश हैं बहुत प्रकृति की गोद में। बहुत बढ़िया यार, शांति तगड़ी मिलती है। ये देखो घर दिखा रहा हूँ आपको मैं, बस फिनिश। 3 या 4 ही घर हैं, इसी को गांव बोलते हैं ये लोग। सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं जैसलमेर के। ये भाई जा रहा है, क्या है भाई इसमें हैं? गाय के लिए चारा खेतों से लेके आ रहा है, क्योंकि गाय वहाँ पे इनको खिलाएंगे और दूध निकालते हैं यहाँ पे। क्या नाम भाई? मोहम्मद अली भाई है ये, बड़ी मेहनती आदमी है। ये देखो देवराज सिंह, उसका भी बड़ा अच्छा नाम है। बस यहीं तक सीमित है। ये देखो सिर्फ रेत ही रेत है, देखो सिर्फ रेत ही दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। बस 5 गिने चुने 5 या 6 घर ही हैं, खुश हैं यहाँ पे सभी। अब आप ही डिसाइड करें भाई इस चीज को देखते हुए कि आप इसको जीवन कहेंगे या संघर्ष कहेंगे। मैं खुद हैरान हूँ, परेशान हूँ, सोच रहा हूँ। अगर मैं अपने गांव तो मुझे तो लग रहा है संघर्ष कर रहे हैं भाई, तो संघर्ष में भी ये कितने खुश रहते हैं आप खुद देख सकते हो। मैं तो देखे, कभी आए तो एक बार ये जरूर देखें। और तो बहुत सारी चीजें देखते हैं आप, दूर दूर तक पहाड़ ही खाली पड़ा है, कुछ यहाँ खेती वेती कुछ होती नहीं है। होती है तो भाई सामने जीरा उगाते हैं लोग, जीरा। अगर हो सके तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, अगर जाने देंगे तो ले जीरा कैसे होता है। चलो मैं दिखाता हूँ। और ये गाय गाय के पशु पेट इसमें इन्होंने बंद करके रखे हैं। इनका बाड़ा बना रखा पशुओं का, भेड़ का, भेड़ बकरियां बोलते हैं। ये देखो गाय भेड़ बकरी इनके पेट है ना, यहाँ पे पालतू जो पशु होते हैं इनके, यहाँ पे इसको रखते हैं। है बेटे ये क्या है? इसमें बकरी को नहीं, ये बकरी रोकने के लिए इन्होंने बनाया। बकरी का ठीक है, झूला कौन सा? ये खुद बनाया होना? वाह यार बड़े शानदार हवेली टाइप बना रखा है इन्होंने, जबरदस्त भाई। वाह वाह यार वाह, बहुत तगड़ा लग रहा है। शौकत भाई का इन्होंने झूला बना रखा है, गट वाह, होममेड झूला, मेड इन इंडिया है। वो सामने जो खेत दिख रहा है आपको, वो जीरा दिख रहा है। चलो चलो दिखाते हैं हम जीरा, जीरे का खेती कैसे होती है। ये सामने जीरे की खेती हो रही है, इनके पशु कढ़ाई में चल रहा है। सीन जबरदस्त है भाई, बच्चों की फौज है। हेलो बच्चों, टाटा बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब,
एक सेकंड। इन्होंने जीरे की खेती करी है बस, ये बोलते हैं सिर्फ जीरा ही होता है, सरसों भी ज़्यादा नहीं होती वैसे, इस रेट में सरसों भी आती है लेकिन मोस्टली जीरा ही बनता है, जीरा ही हम बोलते हैं। मैंने देखा जीरा कैसे बनता है, क्या होता है, लोकल मंडी जैसलमेर लगती है इसमें उसको अपना सेल करके आएंगे। तो जितना भी आप खरीदेंगे सारा जीरा है, सारे खेती जीरे की है। ट्रैक्टर लिया उन्होंने, यहाँ पे पेड़ तो है ही नहीं दूर दूर पे, सिर्फ खाली डेजर्ट है। तो भाई आपने भी देखा इनका लाइफस्टाइल कैसा है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, कैसे अपना लाइफ कैसे संघर्ष के साथ गुजारते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। तो चलो भाई, आपको कैसा लगा वीडियो, थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, शेयर कर देना, ठीक है। अगर कोई कुछ क्यूरियस हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, थैंक यू। चलो लास्ट में बच्चों से मिलते हैं, हेलो बच्चों, हाँ बच्चों का बोलो बाय।